वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निक एंड गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो है मोनेटाइजेशन। जब भी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हर एक वीडियो के सामने हमें उसका सिंबल दिखाई देता है। वो कैसे दिखता है ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम जाएंगे अपने चैनल के ऊपर यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। यहां जाने के बाद शायद मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है, वेट। हम जाएंगे लेफ्ट साइड में कंटेंट के ऊपर। जैसे ही हम कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे आपको आपने जितने भी वीडियोस डाले हैं यूट्यूब के ऊपर ये सब यहां पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक मोनेटाइजेशन का टैब है जिसमें यहाँ पे दिखाई दिया है आपका मोनेटाइजेशन ऑन है। और ये जो डॉलर का जो सिंबल है ये ग्रीन में दिखाई दे रहा है। अभी इस वीडियो में हम इसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया मतलब आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसके 4 to 5 डिफरेंट वेरिएंट्स है जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो हर एक वीडियो पे ये ग्रीन डॉलर का सिंबल दिखाई दे रहा है और उसके सामने लिखा है ऑन। ये देखिए, हर एक वीडियो के सामने ग्रीन सिंबल है और सामने लिखा है ऑन। तो इसका मतलब क्या है ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए आप इसे स्किप मत कीजिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपना चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद उन्हें लगता है कि हर एक वीडियो पे आपको पैसा मिलेगा। ऐसा है नहीं। इसके डिटेल्स मैंने लास्ट के वीडियो में बताए थे। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से अलग तरह के मोनेटाइजेशन यूट्यूब प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले जो है, अगर जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आप अपना वीडियो यहां से मोनेटाइज करते हो, एक सिंगल वीडियो अगर आपको मोनेटाइज करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। अगर आप मल्टीपल वीडियोज मोनेटाइज करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो आप जरूर देख लीजिए। तो हम चलते हैं सिंबल्स के ऊपर। अभी मेरे चैनल पे आप यहां पे देख रहे हो मोनेटाइजेशन का सिंबल है ग्रीन और यहां पे डॉलर लिखा है, इसके सामने लिखा है ऑन। जब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपके वीडियो के सामने ऐसे सिंबल आएगा डॉलर का ग्रीन और ऑन में, तो इसका मतलब ये होता है कि यू टर्न ऑन मोनेटाइजेशन एंड बिकॉज द वीडियो मीट्स आवर एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइंस इट्स एलिजिबल फॉर मोस्ट एड्स। मतलब यूट्यूब का जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली क्राइटेरिया है वो आपके वीडियो ने कंप्लीट कर लिया है और आपका वीडियो एड्स के लिए एलिजिबल हो गया है। यहां पे लिखा है कीप इन माइंड दैट यू मे नॉट गेट ऑल द एड रेवेन्यू फॉर दिस वीडियो, समटाइम्स योर रेवेन्यू मे बी टेम्पररीली हेल्ड बिकॉज ऑफ अ कॉपीराइट डिस्प्यूट और इनवैलिड ट्रैफिक। अगर आपका कोई कॉपीराइट डिस्प्यूट है तो आपका जो रेवेन्यू है वो आपको नहीं मिलेगा जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता। लेकिन अगर आपके वीडियो के सामने ऐसे ग्रीन डॉलर का सिंबॉल है और ऑन लिखा है तो उसका मतलब है यू आर अर्निंग फुल रेवेन्यू ऑन दिस वीडियो। मतलब एड का जो रेवेन्यू है वो आपको पूरा के पूरा मिलेगा, उसमें से कुछ कटिंग नहीं होगा। अगर इस डॉलर के सामने एक्सेप्शन लिखा है, जैसे यहां पे ऑन है, जैसे आपने देखा यहां पे ऑन आया है, अगर यहां पे एक्सेप्शन आता है तो दिस वीडियो इज ओनली एलिजिबल फॉर नॉन पर्सनलाइज्ड एड्स बिकॉज इट्स ऑडियंस इज सेट एज मेड फॉर किड्स। जब भी हम कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइंस हमें बताना पड़ता है कि आपने जो वीडियो अपलोड कर रहे हो वो
मेड फॉर किड्स है या नहीं है। अगर आपने मेड फॉर किड्स का टैब क्लिक किया है तो नॉन पर्सनलाइज एड्स उस वीडियो पे नहीं दिखेंगे। जो जो वीडियोस किड्स के लिए सूटेबल है वही वीडियो के एड आपके वीडियो के ऊपर दिखाई देंगे, मतलब सोर्सेस ऑफ अर्निंग यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा सिंबल है डॉलर, ये ग्रीन में ही है लेकिन सामने लिखा है शेयरिंग, जैसे यहाँ पे ऑन है वैसे आएगा यहाँ पे शेयरिंग, उसका मतलब है दैट मीन्स यू विल गेट सम बट नॉट ऑल रेवेन्यू फॉर दिस वीडियो, मतलब इसका जो अर्निंग है एड का वो आपको पूरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यू टर्न ऑन मोनेटाइजेशन फॉर अ कवर वीडियो ऑफ अ सॉन्ग बट अ म्यूजिक पब्लिशर क्लेम इट, मतलब अगर आप कोई कवर वीडियो बना रहे हो उसमें आपने कोई म्यूजिक यूज किया है जो ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है और अगर वो म्यूजिक पब्लिशर ऑलरेडी अग्री करता है कि कोई भी मेरा म्यूजिक यूज कर सकता है लेकिन उसे अपना रेवेन्यू मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, तो वो सिनारियो में आपका जो एड रेवेन्यू है वो आपके साथ और उस म्यूजिक पब्लिशर के साथ शेयर किया जाएगा। इसलिए उस वीडियो के सामने ऐसे डॉलर, ग्रीन डॉलर और शेयरिंग का सिंबल आएगा। थर्ड है एस्क्रो, ये ग्रीन डॉलर का सिंबल है और एस्क्रो करके लिख के आया है यहाँ पे है, इसका मतलब है यू टर्न ऑन मोनेटाइजेशन एंड रेवेन्यू इज बीइंग हेल्ड सेपरेटली ड्यूरिंग द कंटेंट आईडी डिस्प्यूट प्रोसेस एंड वंस द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व वी विल पे इट आउट टू द अप्रोप्राइट पार्टी, मतलब आपने कोई कॉपीराइट म्यूजिक या कोई वीडियो यूज किया है जिसके ऊपर ऑलरेडी कॉपीराइट क्लेम है तो कोई डिस्प्यूट चल रहा है आप में और जिसने कॉपीराइट क्लेम किया है उसमें, इसलिए उस सिनेरियो में आपको उस वीडियो का जो भी रेवेन्यू है वो नहीं मिलेगा, वो तब तक YouTube होल्ड करेगा जब तक ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता। अगर आपके फेवर में वो डिसीजन आता है तो पूरा रेवेन्यू आपको मिलेगा, अगर जिसने कॉपीराइट क्लेम किया है अगर उसके फेवर में डिसीजन जाता है तो पूरा रेवेन्यू उसके पास जाएगा। फोर्थ है लिमिटेड, मतलब ये जो डॉलर है ये येलो हो जाएगा, ये ग्रीन नहीं रहेगा और लिमिटेड इसके सामने आएगा, इसका मतलब है यू टर्न ऑन मोनेटाइजेशन फॉर दिस वीडियो बट बिकॉज ऑफ इट डजंट मीट ऑल आवर एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइंस ब्रांड्स में चूज टू ऑप्ट आउट ऑन कंटेंट, दिस जनरली मीन्स यू मे अर्न लेस रेवेन्यू ऑन दिस कंटेंट, मतलब जब भी हम कोई वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड करते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली अभी चेक होता है कि आपका वीडियो एड फ्रेंडली है या नहीं है। अगर आपका वीडियो फ्यूचर में ऐसे हो सकता है कि अभी ये जो सिंबल है ये ग्रीन है लेकिन फ्यूचर में जाके ये येलो में भी टर्न हो सकता है, जब भी आपका वीडियो के सामने इस तरह का येलो सिंबल और लिमिटेड आएगा तो उस समय आपको उसका पूरा रेवेन्यू नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ रेवेन्यू आपको मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड लिख के आया है क्योंकि आपका अर्निंग जो है वो लिमिटेड होगा। इसके बाद यह है रेड सिंबल, यहाँ डॉलर क्रॉस किया है इनएलिजिबल, मतलब यू टर्न ऑन मोनेटाइजेशन बट देर इज अ कॉपीराइट क्लेम ऑन दिस वीडियो इट कैनॉट बी मोनेटाइज, मतलब अगर आपके किसी वीडियो पे इस तरह का सिंबल आया डॉलर का तो उस वीडियो पे मोनेटाइजेशन एक्टिव नहीं हो सकता। उसके बाद लास्ट है ऑफ, मतलब ये जो सिंबल है इसका मतलब है आपने अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन उस वीडियो के लिए ऑफ करके रखा है। अगर आपको किसी वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ करना है तो बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर जाओ ऑन पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑफ करके सिंबल आएगा इसके ऊपर क्लिक करो और सेव करो तो उसका वीडियो पे एड्स नहीं आएंगे उस वीडियो पे। जनरली कोई पागल ही ऐसे करेगा कि किसी वीडियो पे उसको एड नहीं दिखाना है तो ये तो कोई यूज करेगा नहीं। तो और लास्ट है कि
वीडियो के जो स्कैनर्स है वो हमेशा रन होते रहते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज अभी आपके वीडियो पे डॉलर ग्रीन में आया है और यहाँ पे ऑन लिखा है, आपको पूरा रेवेन्यू मिल रहा है, तो फ्यूचर में जाके आपको इस वीडियो का पूरा रेवेन्यू मिलेगा। यूट्यूब के जो स्कैनर्स है वो हमेशा चलते रहते हैं, और अगर उन्हें कहीं पे कोई कॉपीराइट क्लेम या कोई डिस्प्यूट अगर आपकी वीडियो में मिल गया तो आपका यह सिंबल चेंज हो सकता है, और इसमें से कोई भी लिमिटेड एस्क्रो शेयरिंग कुछ भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर इसका सिंबल चेंज हो गया और ये लिमिटेड इनएलिजिबल कुछ भी आ गया तो अभी उसका मतलब आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया इसका मतलब रिलैक्स होना नहीं है, हमेशा अपने चैनल पे जाओ, अपना मोनेटाइजेशन टैब चेक करो, कौन कौन सा सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे अच्छा है कि मैं आई विल प्रे टू गॉड कि ये जो है ये हमेशा ऑन रहे और यहाँ पे ग्रीन सिंबल दिखाई दे। तो अगर कुछ अलग सा सिंबल आपके वीडियो पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है ये आपने इस वीडियो में आज समझ लिया। तो अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिला है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।